बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें तो काफ़ी करनी थी, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मुख्तसर में मैं अपनी बात आपके सामने रख देता हूँ कि ताज के लंगर जो तंजीम है इसके ज़ेर एहतमाम अभी जो काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं उसमें एक काम सिक्योरिटी फर्स्ट करके है। ये सिक्योरिटी फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है इसमें हम शहर की जितनी भी मसाजिद है इसमें सीसीटीवी कैमरेज लगा रहे हैं, मसाजिद के बाहरी एरिया को इसमें कवर किया जा रहा है। और इसकी ज़रूरत पेश इसलिए आई कि शहर की एक मस्जिद में एक मामला ऐसा दरपेश आया कि कुछ शरारती लोगों ने वहाँ पर आके माइक के साथ छेड़खानी करनी चाही, तो वहाँ के जो सदर थे उन्होंने उसका एहतजाज किया, तो बदले में उन्होंने उनसे हाथापाई कर ली। तो पुलिस स्टेशन में जब केस गया तो जो अक्यूज था उसे तो अरेस्ट किया, लेकिन उसके साथ में बाकी जो लोग थे वो नाबालिग बच्चों को पेश कर दिया। तो हुआ ये कि जिस वक्त वो इंसिडेंस हुआ था वहाँ पे नाबालिग बच्चे नहीं थे, लेकिन पीआई का कहना था कि आपके पास एविडेंस नहीं है। आप तसव्वुर करें अगर उस वक्त वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होता तो जिन लोगों ने वो शरारत की थी वो कैद में होते। तो इसी के ज़ेर नज़र टीम ताज का लंगर ने ये पहल की कि सीसीटीवी कैमरेज मस्जिदों के अंदर में लगाए, और अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ की नस्बत से 11 मस्जिदों में लगाए जा चुके हैं, और तकरीबन अभी तक 80 मस्जिदों से रिक्वायरमेंट आ चुकी है, और एक मस्जिद का खर्च जो है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार के पास जाता है। 8 चैनल का DVR, 1 TV की हार्ड डिस्क और 4 कैमरेज उसमें लगाए जाते हैं। इसी के साथ साथ एक प्रोजेक्ट और चल रहा है जो जिसमें एम्प्लॉयमेंट की तरफ फोकस किया गया है, क्योंकि कोविड के बाद सभी के मामला जो है वो थोड़े लड़खड़ाए हुए हैं फाइनेंशियली। तो चूँकि होता यह है कि हम लोग एडवर्टीज़मेंट पे ख़र्चा नहीं करते हैं, कस्टमर्स हमारे काउंटर तक ही लिमिटेड रहते हैं, तो उसे फैलाने के लिए ये किया जा रहा है कि जिनकी भी दुकानें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन एक सोशल मीडिया के ज़रिए से ग्राहक से ग्राहक तक पहुँचाई जाए। तो उसमें तंजीम ये काम अंजाम दे रही है कि आपके जो भी बिज़नेस है उसकी डिटेलिंग करके आपको उसके पेजेस बनाकर दे, और कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल करके आपको तरक्की पे लेके आने की कोशिश करें। हम सभी को इंशाल्लाह कोशिश जारी है, दुआ करिए कि इंशाल्लाह सभी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी अता फरमाएँ, क्योंकि हर फर्द की कामयाबी कौम मिल्लत और देश की कामयाबी होती है। और खुसूसी तौर पर एक जो ऐलान इजाज़ भाई कह रहे थे वो करने का ये है कि सिक्योरिटी फर्स्ट के तहत एक और उसका सब प्रोजेक्ट समझ के चलिए हम आज आपके सामने रख रहे हैं कि जितनी भी मसाजिद है हमारी, उन मसाजिद में अक्सर होता ये है कि किसी ना किसी कारण से ऑडिट्स जो है वो पेंडिंग होते हैं मस्जिद के। तो जिन जिन मसाजिद के ऑडिट पेंडिंग हैं जो अब तक नहीं किए गए, इंशाल्लाह फी सबीलिल्लाह वो सभी के ऑडिट किए जाएंगे।